अपराधी बेखौफ होकर दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं। ताजा मामला है पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के पटना साहिब स्टेशन के पास का, जहां दिन दहाड़े अपराधियों ने भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक पान मसाला व गुटखा बेचने वाले 40 वर्षीय व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी और पिस्टल लहराते हुए फरार हो गया। वहीं इस वारदात से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और लोग गोली की आवाज सुनकर इधर उधर भागने लगे। वहीं हत्या की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की, जहां पुलिस ने मृतक की पहचान नेहरू टोला के रहने वाले पान मसाला और गुटखा दुकानदार उपेंद्र सिंह के रूप में किया है। बताया जाता है कि वहीं स्थानीय लोगों द्वारा गंभीर रूप से घायल दुकानदार को इलाज के लिए NMCH लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने हत्या का कारण पड़ोसी से चल रहे विवाद का मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन करने में जुट गई है, साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। स्वर्ण रानी के साथ न्यूज कम 24 की रिपोर्ट। अभी दादा जी हैं? कहाँ घर है? नहीं, घर कहाँ है? अपना घर है। कैसी क्या घटना घटी है? घटना भैया, हम लोग नहीं थे, आवाज सुने, टायर फट गया, मर देखा, वहाँ आदमी गिर गया, उसके बाद में आदमी सामने से चला जा रहा है, कैमरा के सामने से आदमी गया, कैमरा को देखिएगा, खुद पता चल जाएगा कौन है क्या है। और जिनको गोली लगी है वो यही करने वाले हमारे बगल की रहे। अच्छा, क्या नाम है? उपिंदर सिंह नाम है। उनके कितने बाल बच्चे हैं? एक लड़का, दो लड़की है। लड़का बड़ा है कि छोटा? लड़का बड़ा है, दो और दो को लड़की है, एक लड़की है, छोटा लड़की क्या है। मरने वाले का पहचान नहीं हुआ? नहीं भैया, वो पहचाने, जबकि मास्क उसके आयु लगाया। आयु क्या थी? आयु उनका 40 से 45 होगा, हम ही लोग की तो उम्र का आदमी है, थोड़ा सा बड़ा होंगे। मामला है, अभी जांच करने आप पहुंचे हुए हैं? देखिए, पटना साहिब स्टेशन के सामने एक गुटखा बेचने वाला व्यक्ति है उपेंद्र सिंह, उसकी आज 10 बजे के आसपास लगभग गोली मार के हत्या कर दी गई है। तो चौक थाने की टीम यहाँ पहुँची है, और वैसे तो ये इलाका इनके अनुसार जो है जाति में पड़ता है, परंतु इस मामले में हम लोग जब तक कोई बात स्पष्ट नहीं होती तब तक हम लोग अपना ही केस मान के पीछा हुआ है। क्या कुछ मामला भी स्पष्ट निकल के आ रहा है? देखिए, इसमें है इनका लगता है कि पूर्व से दुश्मनी रही है, एक विनोद और सुनंदा से भी रही है, और अपने बगल के पड़ोसी से भी देवेंद्र पासवान से भी झगड़ा रहा है। अभी जो इनका पड़ोसी है देवेंद्र पासवान, उनके साथ जमीन मकान पर बनाने को लेकर है, और विनोद और सुनंदा से गुटखा का बेचने को लेकर झगड़ा रहा है। तो अभी इन दोनों को हम लोग सस्पेक्ट मानकर अपना अनुसंधान कर रहे हैं, और जल्द ही हो जाएगा। किसी की पहचान हो पाई है सर, घटना में कौन शामिल है? वही हम बता रहे हैं ना, दोनों लोगों का बताया, दोनों से झगड़ा चल रहा है, तो हम लोग इसी को अनुसंधान सस्पेक्ट मान के अनुसंधान कर रहे हैं। कितनी गोली मारी गई थी सर? कितनी गोली मारी गई? एक गोली। कोकाई बरामद हुई सर, पीछे जाके निकालता उससे भी कुछ पति आता है जो खड़ा है आपने लगता है कि ये लोग नहीं समझे, जब ये निकाल रहा जाके सब किया।